लखनऊ पुलिस उपायुक्त हृदेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल ही में हुई चोरी का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सर्विलांस टीम की मदद से 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी ओम प्रकाश के ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, उस पर 27 मुकदमे दर्ज हैं और पवन राजपूत के ऊपर 24 मुकदमे दर्ज हैं। ये अभियुक्त गैंग बनाकर थाना गोमती नगर के आसपास के क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे और जिनके पास से सोने चांदी और डायमंड के जेवरात सहित 62,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये 6 लोग चोरी के नकबजनी के बहुत बड़े अपराधी हैं। इनमें से 2 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम में भी कार्रवाई पहले हो चुकी है। 1 के विरुद्ध 27 मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं, दूसरे के विरुद्ध 24 मुकदमे हैं, वो शेष सभी के विरुद्ध भी 10-10 5-5 मुकदमे पंजीकृत है, जैसा कि आपको उपलब्ध कराए गए आपराधिक इतिहास से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त 11 मुकदमे अब इन्होंने स्वीकार किए हैं जो किए हैं इन्होंने। उन मुकदमों के बाद में 11 अपराध वो हैं जो अभी नहीं खुले थे इनके, अब उनसे संबंधित वस्तुओं की बरामदगी हुई है और उन अपराधों में इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। इस प्रकार ये बहुत बड़े शातिर चोर हैं।